पूछो पूछो। सो फर्स्टली कॉन्ग्रेचुलेशन, गाने को बहुत अच्छा प्यार मिल रहा है। तावीज नाम सुनते ही लोग पहले बहुत शौक होंगे, तो आपसे जानना चाहेंगे टाइटल रखने से पहले क्या सोचा था? जो इन्होंने टाइटल रखा हुआ वो यहाँ पर है नहीं, ये हमारे भाई बताएंगे टाइटल रखने का क्या बात है, खुद बताएंगे काफ़ी सुंदर काफ़ी खूबसूरत टाइटल काफ़ी गहरा और मीनिंगफुल टाइटल भी है। तो जैसे अगर आपने गाना देखा हो तो उसकी जो गहराई है, जो मतलब है, वो गाने के ऑर्डर जाकर लगाया जाता है। बट इट्स ब्यूटीफुल वर्ड और बहुत ही रिलेटेबल वर्ड है, सब लोग इस शब्द को लेकर बहुत ही रिलेट करते हैं अलग अलग। आयशा आपसे जानना चाहेंगे। आई थिंक यस, गाना आप देखेंगे वो जस्टिफाई हो ही जाएगा कि इसका नाम था रखा गया है, कि हम हर किसी के लाइफ में इश्क को नज़र लगी जाती है। सो आई थिंक आई रिमेंबर वहाँ पर एक सवाल पूछा था कि तावीज़ पूछ के आपको क्या याद आया। अभी तक का तो नहीं पता, बट आई एम श्योर कि अब अगर लोग तावीज़ नाम सुनेंगे तो ये गाना याद आएगा हर किसी को। सो या दैट्स तावीज़। शादी अब तक ये भी जानना चाहेंगे, जब हमने पोस्टर देखा था हम बहुत टाइम से आपको ये सवाल कर रहे थे क्या कुछ नया प्रोजेक्ट आने वाला है, लेकिन जब ये प्रोजेक्ट आ गया है क्या कुछ रिस्पांस आया है फैमिली एंड फ्रेंड्स का? सभी सबसे पहले तो लोग इस लोग को बहुत पसंद करने की बात कम नहीं हो गए पसंद आ रहा। हर लोग हर सिचुएशन में सूट नहीं होता, लेकिन गाने के सीखने में ये लोग बिल्कुल अच्छी तरह से बैठ गया और अरे ये तो रिस्पॉन्स अच्छा है। गाना बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही अच्छी तरीके से पिक्चराइज किया गया है। सो इट्स अ सॉन्ग दैट इज मतलब जो रोमांटिक लोग होंगे इस गाने को बहुत पसंद करेंगे, एंड उम्मीद करते हैं कि इस गाने को बहुत सारा प्यार मिले। बट या मीन द लुक इज वर्क, सारी चीज़ें बैठती है गाने में, तो इट्स लुकिंग ऑन। Let's start with Masala, कि आपने ऐसा क्या किया जो आफ्ताब भाई ने मत घुमा के बोला? It's basically, I think he was talking about the shoot, कि शूट बेसिकली हमारा आउटडोर कॉन्सेप्ट था और बारिश हो गई, एक ही दिन में शूट कंप्लीट करना था, पूरी प्रोडक्शन हाउस सब परेशान थे, बट डायरेक्टर्स द प्रोडक्शन टीम सब ने हिम्मत की एंड हमें हिम्मत दी कि यू नो ये हो जाएगा आराम से। हम ऑब्वियसली मैं एटलीस्ट पैनिक कर रही थी क्योंकि दिस वॉज यू नो अ बिग थिंग फॉर मी। भगवान ने भी रोमांटिक कर दिया, हाँ, कर दिया क्योंकि आई थिंक द इनडोर थिंग इज द बेस्ट थिंग दैट हैज हैपेंड टू द सॉन्ग आफ्टर अफसाना'स वॉइस। So yeah, it's a lovely song and जब मुझे ये गाना आया था, I remember, I heard it and I think नाम अफसाना काफी है गाने को हाँ बोलने के लिए, सुनने की भी जरूरत नहीं है। And then obviously अफताब सर, so you know it was all a yes from the start. Wow. तो ऐसा मसाला जो हम लोग यहाँ पे ढूंढ रहे हैं चेहरे, ऐसा क्या हुआ सेट पे जो हम